कोई ध्येय के साथ चल रहा होता है लेकिन उसमें विघ्न आ जाए और उस विघ्न से लड़ते हुए वो फिर अपनी मंजिल को पाए तो उसे कैसा लगता है, वो मिसाल बनता है दुनिया के लिए। ऐसी ही मिसाल है हमारे साथ हरियाणा के खेल राज्य मंत्री, जिनके गोली लगी थी, हॉकी के कैप्टन रहे थे भारतीय हॉकी टीम के, उसके बाद उन्हें गोली लगी, वो बेड पर आ गए और उसके बाद उन्होंने फिर खेलना शुरू किया, नया मुकाम हासिल किया। संदीप जी, ये बताएं कि आपके जीवन पर अब एक फिल्म बन रही है, इससे पहले भी एक फिल्म बनी थी सूरमा और अब सिंह सूरमा बन रही है, क्या कहानी है इस फिल्म की? देखिए, सूरमा मूवी जो जर्नी थी वो बचपन से जब से मैंने हॉकी खेलना शुरू किया और अर्जुन अवार्ड तक की कहानी है। लेकिन 2 घंटे 10 मिनट में आप अपनी कहानी बयान नहीं कर पाते आप, क्योंकि बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे एपिसोड्स होते हैं आपकी लाइफ में जो लोगों तक पहुंचाने अगर आपकी मूवी बन रही है तो ज़रूरी होते हैं, कि जिससे कि आज की जनरेशन जो यूथ है वो इंस्पायर। तो 2 घंटे 10 मिनट 15 मिनट की जो हमारी सूरमा की कहानी थी, बहुत से ऐसे चीज़ें थी जो बच गई हैं, और उसके बाद भी 10 के बाद 21 2021 तक की जो जर्नी है वो भी काफ़ी ऐसे बयान करने वाली है कि जिससे कि लोगों को इंस्पिरेशनल कहानी लगेगी, इंस्पायर होंगे। तो बस मकसद हमारा यही है कि ज़िंदगी जो है वो असल जो ज़िंदगी है वो लोगों तक। 21 वर्ग को जो है टारगेट करके की है, किस एज ग्रुप को, किस वर्ग? देखिए, यूथ को, स्पेशली यूथ को ये हम कहानी बताएंगे, लेकिन कहानी जो होगी वो हर वर्ग के लिए होगी, क्योंकि स्काई इज़ अ लिमिट, आपकी एज इज़ जस्ट ऑफ नंबर, हम जो ये 2 वर्ड्स बोलते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि लोगों के लिए, कि जो भी आपके अंदर कुछ बनने की चाह है।